शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को जुमा मुबारक। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी अभी नाथ शेयर कर रहे हैं इंडिया गुजरात से। अभी कहते हैं मैं इंडिया गुजरात का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई है। और ये कहानी मेरे दादाजी के गांव की है। ये तब की बात है जब मेरे दादाजी बिल्कुल यंग हुआ करते थे, तो उन लोगों के जो गांव थे वो काफ़ी ज़्यादा पुराने और कदीम गांव थे। उनके गांव में एक पुराना शमशान घाट था। उस शमशान घाट के ऊपर जब भी किसी मुर्दे को जाकर जलाया कर उसकी चिता जलने के बाद जब अगले दिन वहाँ से उनकी अस्थियाँ उठाने के लिए जाते थे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता था, यहाँ तक कि राख भी गायब होती थी। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा मसला बनता था कि आखिर ये कैसे हो रहा है। वो जो शमशान घाट था वो तकरीबन 100 साल पुराना शमशान घाट था। फिर वहाँ पर सब गांव वालों ने मिलकर किसी चौकीदार को रखने का फ़ैसला किया कि चौकीदार यहाँ पर रखवाली किया करेगा कि कौन आता है जो यहाँ से अस्थियाँ भी और राख तक उठा कर ले जाता है। तो पहली रात की बात है, गांव में कोई किसी की हलाकत हुई तो उसके बाद वहाँ पर उसकी चिता को जाकर जब जलाया गया तो उसके बाद वही रात थी, चौकीदार वहाँ पर पहरा दे रहा था। पूरे शमशान घाट में दूर दूर तक कोई भी नहीं था, बहुत ज़्यादा पुरसरार सा मंज़र था। तकरीबन रात के 12:30 बजे के बाद का टाइम था, दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। इतनी अंधेरी रात थी कि गांव की आबादी शमशान घाट से बहुत दूर थी। चौकीदार को वहाँ पर किसी जानवर की भी आहट नहीं सुनाई दे रही थी। तभी एकदम से चौकीदार को ऐसा महसूस हुआ जैसे शमशान घाट में कोई मौजूद है। जब चौकीदार ने वहाँ से देखना चाहा, उसने अपनी लालटेन लेकर जब वो उस शमशान घाट के अंदर गया तो वो क्या देखता है कि वहाँ पर दीवार में से, बिल्कुल दीवार के पास से एक सर निकला हुआ है और उसके बहुत लंबे लंबे दांत हैं। देखते ही देखते वो पूरा वजूद दीवार में से बाहर निकल आया। वो एक अजीबोगरीब शक्लो सूरत वाली कोई मखलूक थी। चौकीदार ने जब उसे देखा, चौकीदार डर गया। पहले चौकीदार ने समझा शायद ये कोई जानवर है, क्योंकि वो चल भी इसी स्टाइल में रही थी जिस तरह से जानवर चलते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, दोनों हाथों के साथ घुटनों के बल रेंग रही थी। वो जो भी मखलूक थी उसके सारे बाल उसके चेहरे के ऊपर आए हुए थे। तो जब चौकीदार ने उसे पास से जाकर देखना चाहा तो उसने बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। चौकीदार बहुत ज़्यादा डर गया और वो फ़ौरन से शमशान घाट से बाहर निकल आया और उसने शमशान घाट का दरवाज़ा बंद कर दिया। वहाँ पर उस वक्त ऐसा दरवाज़ा लगा हुआ था जिसमें आर पार देखा जा सकता था, यानी जो ग्रिल वाला गेट होता है वो लगा हुआ था। तो चौकीदार ने जो मंजर देखा, जब उसने गांव वालों को बताया तो सब डर गए, सब में एक दहशत फैल गई, क्योंकि चौकीदार का कहना ये था कि वो जो वजूद दीवार में से निकल कर आया था वो उसी तरह से रिंगता रिंगता उस वो जो जली हुई चिता थी उसकी राख और जहाँ पर वो सारे कोयले और उसकी अस्थियाँ बिखरी हुई थी वहाँ पर आया और उसने दोनों हाथों से उनको खाना शुरू कर दिया। उस राख को, उन कोयलों को और उन जली हुई हड्डियों को खाना शुरू कर दिया और फिर चुपचाप वापस उसी दीवार में जाकर गायब हो गया। चौकीदार ने यह बात सुबह गांव के सभी लोगों को बताई। पहले तो लोगों को इस बात पर कोई यकीन ही नहीं आया। उन लोगों को यही लगा कि चौकीदार ने कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाई है। फिर चौकीदार ने ये कहा कि मैं वहाँ पर पहरा नहीं दूँगा, मुझे अकेले वहाँ पर पहरा देते वक्त डर लगता है, क्योंकि मुझे ये डर है कि कहीं वो मखलूक मुझे मार ना दे। चौकीदार ने जब जवाब दिया तो उसके बाद गांव के बहुत से लोगों ने मिलकर वहां पर पहरा देने के बारे में सोचा। वहां पर शमशान घाट के पास ही एक जगह पर लोग आग जलाकर बैठे हुए थे। जैसे ही रात का टाइम हुआ तो इस तरह से महसूस होने लग गया
जिस तरह से आज फिर शमशान घाट में कोई हलचल हो रही है। जैसे ही लोगों ने वहाँ पर गौर किया तो बिल्कुल वैसे ही महसूस हुआ, ऐसे लग रहा था जैसे दीवार में से कोई बाहर निकल रहा है। वो रेंग कर एक अजीबोगरीब तरह से शमशान घाट का चक्कर काट रही थी। लोगों ने उसके ऊपर बहुत से दूर से ईंटें और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन कोई भी चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। वो शमशान घाट में जगह जगह पर इस तरह से फिर रही थी जैसे ज़मीन को सूंघ रही है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो आज फिर कोयले और हड्डियाँ ढूंढ रही है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसने बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। गाँव के सभी लोग डर के वहाँ से भाग गए। फिर उन लोगों ने अपने गाँव के पंडित को ये बात बताई। पंडित साहब ने ये कहा कि मैं वहाँ पर जाकर पूजा पाठ करूँगा और तब पता चलेगा कि वहाँ पर मसला क्या है। फिर उनके गाँव के पंडित जब वहाँ पर गए, वहाँ पर उन्होंने कोई पूजा करनी चाही तो वो पूजा मुकम्मल ही नहीं हो सकी। वो जब भी पूजा करने की कोशिश करते थे, कोई ना कोई चीज़ उनको आकर डराना शुरू कर देती थी। वो पूजा कर ही नहीं पाए और वहाँ से उठकर आ गए। और उनका ये कहना था कि गांव का ये जो हिस्सा शमशान घाट का है, यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा भयानक चुड़ैल का बसेरा है, जो यहाँ पर जिनकी चिता जलती है उनकी हड्डियाँ और उनके वो जो कोयले होते हैं वो खाती है और राख भी खा जाती है। अगर इसको यहाँ से निकाला गया तो ये पूरे गाँव को मार देगी, क्योंकि उसने वहाँ पर उनकी पूजा भी पूरी नहीं होने दी थी। फिर सब गांव वालों ने यही मुनासिब समझा कि उस शमशान घाट को छोड़ दिया जाए। फिर उस शमशान घाट को छोड़कर गांव के बिल्कुल जहाँ पर आबादी थी उस हिस्से में एक और जगह पर शमशान घाट का हिस्सा बनाया गया। वहाँ पर भी यही मामलात शुरू हो गए। पुराने शमशान घाट के बाद वहाँ पर भी वो मखलूक उस जगह पर आ गई। जब वहाँ पर चिता जलनी बंद हो गई तो फिर वो वहाँ पर आ जाया करती थी। सारी सारी रात वहाँ से डरावनी आवाज़ें गूंजती थीं और वह मखलूक आबादी का रुख भी करने लग गई थी। रात को जो लोग अपने घरों में सोए होते थे, उनके छोटे छोटे मकान थे और उनके दरवाज़ों को वो बजाया करती थी। जिन लोगों के घरों के आगे दरवाजे नहीं होते थे, पर्दे लगे होते थे, उनके घरों के पर्दे उठाकर उन पर हमलावर होने की कोशिश करती थी। बहुत से लोग उसने ज़ख्मी भी किए। कोई भी ना तो उसको पकड़ सकता था ना ही उसको मार सकता था। बहुत से उन लोगों ने तांत्रिक भी बुलाए, साधु भी बुलाए, लेकिन कोई भी उस गांव को और उनकी वो जो शमशान घाट थे उस चुड़ैल से नहीं बचा सके। बिल आखिर तंग आकर उन लोगों ने वो गांव छोड़ दिया और वो पूरा गांव वीरान हो गया। अभी कहते हैं, हमारे दादाजी कहते हैं कि वो उस वक्त बिल्कुल यंग थे, उन्होंने अपनी आँखों से भी उस मखलूक को देखा है। एक रात की बात है, जब ये गांव में ये बात मशहूर हो गई थी कि आधी रात के टाइम वो मखलूक गांव की गलियों में फिरती है, आवाज़ें निकालती है, तो गांव के बहुत से लोगों ने उसको छुपकर देखा भी था। वो हमलावर तब होती थी जब उसको महसूस होता था कि जिस पर उसने हमला करना है वो उसके बहुत ज़्यादा करीब है, वरना वो डरावनी आवाज़ें निकाल कर पूरे गाँव को डराया करती थी। और वो चलती इस तरह से थी जैसे रेंग रहे होते हैं। बहुत डरावना उसका चेहरा था, काफ़ी बड़ा उसका वजूद था, वो बहुत डरावनी मखलूक थी। उसके खौफ से पूरा गांव खाली हो गया। उस गांव में इस हद तक खौफ था कि वहां के जो पास के गांव थे वो डर के मारे उस गांव के रास्ते से भी नहीं गुजरते थे। अक्सर लोग कहते थे कि उस गांव में बहुत ज़्यादा भयानक चेहरे वाली मखलूकात देखी जाती हैं, जो बाद में वहाँ पर उससे भी ज़्यादा तादाद में आ गई थी। ये हम लोगों के दादाजी ने हमें एक कहानी सुनाई थी जो उनके दौर की कहानी थी। तकरीबन आज से 50-60 साल पहले की ये बात होगी जिस गांव की ये कहानी थी हमारे दादाजी ने हमें सुनाई। वो खुद उस गांव के ही रहने वाले थे जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अभी आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी यासिर शेयर कर रहे हैं। यासिर कहते हैं, मैं सरगोधा का रहने वाला हूँ। मैं सरगोधा मोहम्मदी कॉलोनी में रहता हूँ और आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 8-9 साल पहले की बात है, हम लोगों ने एक घर रेंट पर लिया था। वो बिल्कुल नहर के सामने वाली जो आबादी है उस जगह पर वो घर था। वो घर काफ़ी ज़्यादा पुराने स्टाइल में बना हुआ था और घर भी काफ़ी ज़्यादा पुराना था। उस घर में एक प्रॉब्लम थी कि जितने भी घर वाले
कोशिश करते थे घर को साफ़ सुथरा रखने की। जितनी भी घर की सफाई की जाती थी वो घर बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता था। हालांकि हम लोगों के घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं था, हम लोग 3-4 बहन भाई थे, 3 बहनें थी मेरी और एक मैं था। तो वहाँ पर ऐसा भी नहीं था कि कोई बच्चा हम लोगों के घर हो जो घर में इस तरह से गंद फैलाए और घर गंदा हो जाए। लेकिन इसके बावजूद घर थोड़ी ही देर के बाद बहुत गंदा हो जाता था। इस तरह से महसूस होता था जैसे बहुत ज़्यादा मिट्टी या फर्शों पर, और जैसे घर की कभी सफाई हुई नहीं, उस घर का दरो दीवार बहुत ज़्यादा पुराना लगता था। उस घर में जब हम लोग शिफ्ट हुए थे तो अम्मी वगैरह जब भी वहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे, कोई भी इबादत करना चाहते थे, तो उनको बाकायदा ख्वाब में बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब चेहरे वाली कुछ औरतें नज़र आती थीं और वो उनको मना करती थीं कि इस घर में ज़्यादा इबादत ना करें। वो वहाँ के जिन्नात थे शायद, जो उनको बाकायदा ख्वाब में मिलकर ये मैसेज देते थे। अम्मी समझती थी कि शायद उनका वहम है, लेकिन घर में अक्सर ऐसे मामलात होने लग गए थे कि जब हम लोग रात को सोकर सुबह जागते थे तो हम लोगों की जो जहाँ से हम लोग घर के अंदर दाखिल होते थे वो पूरी एक दहलीज सी बनी हुई थी, कवर्ड थी पूरी, वो उसके अंदर बहुत लंबे लंबे पाँव के निशान लगे होते थे, नंगे पैरों के निशान होते थे, और उनके दोनों साइडों पर इस तरह से निशान होते थे जैसे थंब होता है, बैक साइड पर भी और फ्रंट पर भी, दोनों साइडों पर नोक होती थी। हम लोग जब उन पैरों के निशानों को देखते थे, पहली दफ़ा हम लोगों ने उनको नोटिस तब किया हम लोग जब जाके, तो शायद हम लोगों के घर नेबर में से कोई आया था, अभी उस घर में शिफ्ट हुए हमें तकरीबन 1 माह ही हुआ था। तो अम्मी जब बाहर जाने लगी तो अम्मी की ज़मीन पर जब नज़र पड़ी तो अम्मी हैरान हो गई कि घर की डेली सफाई होती है, फिर इतनी मिट्टी कहाँ से आ जाती है। कोई वो मेन रोड भी नहीं था जहाँ से ट्रैफिक गुजरे और मिट्टी उड़े, नॉर्मल गली थी जैसे गलियाँ होती हैं। तो वहाँ पर अम्मी ने वो पैरों के निशान देखे, तो जब बाहर जाकर देखा तो साथ वाली आंटी थी, उन्हें कुछ चाहिए था तो वो लेकर वहाँ से जब गई तो अम्मी ने उनके सामने तो उस चीज़ का जिक्र नहीं किया, बल्कि वो आंटी भी अम्मी को ये कह रही थी कि आप लोगों का घर ठीक से साफ़ नहीं है, इसको साफ़ रखा करें। तो अम्मी ने ये कहा कि हम लोग डेली सफाई करते हैं लेकिन हमें नहीं पता ये घर इतना गंदा कैसे हो जाता है। उन आंटी ने भी कहा कि इस घर में कुछ असरात हैं, यहाँ पर आपसे पहले भी 1-2 दफ़ा कुछ फैमिलीज आई हैं लेकिन वो जल्दी लोग यहाँ से चले जाते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर जिन्नात हैं, असरात हैं, आप लोगों की छत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असरात हैं। अम्मी ने कहा कि मुझे इस तरह से ख्वाब भी आते हैं। वो आंटी तो चली गई, फिर अम्मी ने हम लोगों को जगाया, हम लोग जाके अम्मी ने वो पाँव के निशान हम सबको दिखाए। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि पता नहीं ये क्या चीज़ है क्या नहीं। फिर अम्मी ने अपने ख्वाब के बारे में बताया, वो जो आंटी कह कर गई थी वो भी बताया। अब हम लोग इस सर्च में थे कि हम लोगों को घर मिले और हम लोग उस घर को छोड़ जाएं। बड़ी हम लोगों ने कोशिश की इस मोहल्ले में, एक तो घर हमने और भी देखे जो उनसे अगली गलियों में बनते थे, लेकिन वो घर हम लोगों के लिए ठीक नहीं थे, यानी वो घर बहुत छोटे थे। तो हम लोग इस इंतज़ार में थे कि हम लोगों की फैमिली के मुताबिक तो घर हो, फिर हम लोग वो घर फाइनल कर देंगे। उन्हीं दिनों के दौरान हम लोगों की कज़न की शादी थी, तो सारे घर वाले हम लोग शादी में गए हुए थे, फंक्शन काफ़ी लेट हो गए। तो अम्मी ने मुझे ये कहा कि घर अकेला नहीं छोड़ना, नया मोहल्ला है, नई जगह है, तुम घर चले जाओ। मैंने अम्मी से ये कहा कि ठीक है मैं घर चला जाता हूँ। अम्मी भी वहीं पर थी, मेरी बहनें भी वहीं पर थीं, अबू भी उनके साथ रुक गए। मेरे एक कज़न ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम लोग रात तुम्हारे घर में रुकेंगे, सुबह आ जाएंगे। वो मेरा दोस्त भी था, मैंने उसे कहा ठीक है आ जाओ। जब हम लोग घर पहुँचे, उनके घर से हम लोगों का घर काफ़ी ज़्यादा दूर था, जब वो लोग आए तो हम लोग जब आए घर तकरीबन रात के 2:30-3 बजे का टाइम था। मैं गेट खोल रहा था, बाहर से ही लॉक हम लोगों ने लगाया हुआ था, मैं गेट खोल रहा था लेकिन गेट खुल नहीं रहा था, बाहर से मैंने ताला भी खोल दिया, उसको धकेल रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अंदर से कुंडी लगी हुई है, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं था। हम लोग सारे मेन गेट से बाहर निकले थे और हम लोगों ने खुद बाहर से ताला लगाया था, फिर अंदर से तो उसको कोई बंद कर सकता ही नहीं था। मेरे कज़न ने कहा कि ये क्या माजरा है, गेट क्यों नहीं खुल रहा। मैंने उसे कहा कि पता नहीं क्या हुआ है। उसने ये कहा शायद अंदर से अटक गया हो, कुछ ऐसा सीन हो। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऊपर से फलांग कर जाता हूँ तो मैं देख लेता हूँ।
यानी जो इंटरेस्ट वॉल थी बहुत ज़्यादा ऊंची भी नहीं थी, बहुत नीची भी नहीं थी। बाइक के ऊपर अगर वो चढ़कर ऊपर चढ़ता तो वो जा सकता था। मैंने उसे कहा कि तुम इधर रुको, मैं अंदर जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो तो पहली दफ़ा उस घर में मेरे साथ ही आया था। अभी रिलेटिव्स भी इतनी जल्दी वहाँ पर नहीं आए थे क्योंकि वो शादी की तैयारियों में सब बिज़ी थे। उसने कहा ठीक है। बाइक हमने दीवार के साथ किया, मैं बाइक के ऊपर खड़ा हुआ और फिर मैं घर के अंदर कूद कर गया। जैसे मैं घर के अंदर कूद कर गया तो वो जो गैलरी वाला हिस्सा था उधर से इस तरफ आना थोड़ा प्रॉब्लम था, आगे कुछ सामान वगैरह जोड़ा हुआ था। जैसे मैं कूदा तो मैंने सामान के ऊपर से, जैसे मैं नीचे उतरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे गेट के इस तरफ कोई खड़ा हुआ है, यानी अंदर की तरफ मुझे कोई खड़ा हुआ नज़र आया। बकायदा एक वजूद था, स्याह कलर का वजूद था, और उसकी मेरी तरफ उसकी जैसे कमर थी या शायद अंधेरा बहुत ज़्यादा था। हालांकि हम लोग जाने से पहले अपने जो घर की एक लाइट जला कर गए थे कि सबको पता हो कि घर में लोग हैं, वो लाइट भी उधर दहलीज में लगी हुई थी, वो लाइट भी बंद थी। वो किसने बंद की? उस वक्त तो मैंने ये गौर ही नहीं किया जब मैं गेट खोल रहा था। मैं पूरी गैलरी को क्रॉस करके जब वो उस हिस्से की तरफ आया जहाँ से मैंने उस गेट की तरफ आना था, जब मैं गेट के पास पहुँचा वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन एक अजीब सा वहाँ पर घुटन का एहसास हो रहा था और उस जगह पर बहुत ज़्यादा हीट फील हो रही थी। फिर मैंने जब देखा तो गेट अंदर से बंद था, अंदर से किसी ने कुंडा लगाया हुआ था। मैंने वो जल्दी से खोला, मेरा कज़न बाइक लेकर अंदर आया। जैसे वो हम लोगों के घर में आया उसकी अजीब सी कैफियत होने लगी। उसने कहा कि उसने बाइक खड़ा किया, हम लोगों ने बाकी घर के दरवाज़े खोले, हम लोग अंदर गए, उसने घर देखा। जब हम लोग मेरे ही रूम में हम दोनों गए तो उसने मुझे ये कहा कि इस घर में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये घर भारी सा है, भारी मीन्स असेफ सता है। मैंने उसे कहा कि क्यों तुम्हें ये ऐसा क्यों फील हुआ है? उसका ये कहना था कि जब मैं बाइक खड़ा कर रहा था तो तुम दरवाज़ा खोलकर अंदर गए हो तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई एक साया सा तुम्हारे पीछे अंदर गया है। पहले मुझे अपना वहम लगा, लेकिन मेरा सर बहुत भारी हो गया है, मेरे कंधे बहुत भारी हो गए हैं, ये घर ठीक नहीं है, तुम लोग इस घर को छोड़ दो। उस घर में बैक साइड पर जो घर था उस घर में एक बहुत बड़ा जामन का दरख्त लगा हुआ था जिसकी काफ़ी ज़्यादा हिस्सा हम लोगों के घर की तरफ भी आता था। वो जो मैं गैलरी वाले हिस्से को क्रॉस करके आया था वो उस दरख्त बहुत ज़्यादा घना था जिसके नीचे से मैं गुजर कर आया था। मैंने उसे कहा कि हम लोग ढूंढ रहे हैं घर, हम लोगों को भी यहाँ पर अजीबोगरीब मामलात महसूस होते हैं। हम लोग इसी टॉपिक पर बातें करने लगे। वो मुझे बताने लग गया कि ये निशानी होती है जहाँ पर इस तरह से महसूस हो कि बहुत ज़्यादा गंदगी है, और जैसे मैंने वो शेडो सा देखा है तो वो जगह सेफ ज़्यादा होती है। हम लोग काफ़ी देर बातें करते रहे, फिर हम लोगों को नींद आ गई। वैसे हम लोग इतना लेट आए थे, अभी हम लोग लेटे ही थे, हम लोगों ने कमरे की लाइट ऑफ की, हम लोगों को घर के बाकी हिस्सों में से यूँ आवाज़ें आने लगी जिस तरह से दरवाज़ों को कोई खोलता और बंद करता है। हम दोनों जाग गए, हम लोगों को बाहर के दरवाज़े खुलने बंद होने की आवाज़ें आ रही थी। हम लोग इशारे में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। अब जहाँ पर मेरा कमरा था इसके ऊपर जो हिस्सा था वहाँ पर भी एक स्टोर रूम बनता था, वहाँ पर हमने कुछ सामान रखा हुआ था पुराना, उसके ऊपर से ऐसे आवाज़ें आ रही थी जैसे बहुत ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर कोई पाँव मार रहा है, जैसे अजीब तरह से पाँव उछल उछल कर जैसे कोई पाँव मार रहा है उसके ऊपर। वो आवाज़ भी हमने सुनी, बेतहाशा चूड़ियाँ छनकने की आवाज़ आ रही थी। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। मेरे कज़न ने कहा कि यहाँ पर तो रात रहना मुश्किल है, हम लोग अकेले हैं, तो ये मखलूक हमें बहुत ज़्यादा डरा रही है। अब जब हमने टाइम देखा तो 4:30 बजे का टाइम हो चुका था। मैंने उसे कहा कि अब क्या किया जाए, थोड़ी देर में फजर हो जाएगी, सब्र कर लेते हैं। लेकिन उसने कहा कि कैसे, हम लोग यहाँ पर एक मिनट भी गुजारना मुश्किल हो रहा है। अभी हम लोग ये बातें कर ही रहे थे कि हम लोगों के घर में से बकरी के बोलने की आवाज़ आने लगी। हम लोगों के घर में बकरी थी ही नहीं, यहाँ तक कि हम लोगों के नेबर में आमने सामने जो घर थे किसी घर में भी जिस दिन के हम लोग आए थे हमने कोई बकरी नहीं देखी थी। होता है कि इंसान मोहल्ले में कोई बकरी देख ले तो शायद ये होता है कि उनके घर से आवाज़ आ रही हो। अब हम लोग बहुत ज़्यादा डर के, बकरी की आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे हम लोगों के घर के अंदर से आ रही है। मेरे कज़न ने कहा नहीं, यहाँ पर रुकना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, मैंने यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकना, निकलो यहाँ से। फिर हम लोग फ़ौरन से उठे, हम लोगों ने शूज़ पहने, दरवाज़ा खोला, डरते डरते बाहर आए।
उस वक्त भी बकरी की आवाज़ मुसलसल आ रही थी सीढ़ियों वाली साइड से। अब सीढ़ियाँ उस तरफ बनती थी जिस तरफ हम लोगों का मेन डोर था, गेट था। गेट से अंदर इंटर होते थे तो बिल्कुल राइट साइड से सीढ़ियों पर जा रही थी, वहाँ से बकरी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। जैसे हम लोग दरवाज़े भी हम लोगों ने खुले छोड़े, हम लोगों को डर ही बहुत लग रहा था। सिर्फ हम लोगों ने एंट्रेंस डोर बंद किया, अभी हम लोग गेट से बाहर निकलने ही लगे थे, हम लोगों ने इतनी ज़्यादा स्याह कलर की बकरी देखी, इतनी बड़ी बड़ी उसकी आँखें थी और वो हम लोगों की सीढ़ियों में खड़ी हुई थी। हम लोगों ने बकायदा अपनी आँखों से उसको देखा। हम लोग चीखे मारते हुए वहाँ से बाहर भागे। पता नहीं कैसे हम लोगों ने बाइक निकाला, वो बकरी बकायदा भागती हुई ऊपर गई, ऊपर से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। इतना डरावना मंजर था उस घर का कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोग जब घर पहुँचे वहाँ पर सारे लोग सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे। हम लोगों को जब देखा तो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हम लोगों ने उन्हें बताया, अम्मी भी बहुत परेशान होगी। फिर हम लोग एक हफ़्ता तकरीबन उसी घर में रुके, क्योंकि वापस आने का सवार ही पैदा नहीं होता था, बहुत मुश्किल आते थे। कपड़े वगैरह उठाए, ज़रूरत का सामान लिया, डे टाइम वो भी। विद इन अ वीक हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। पता नहीं वहाँ पर वो जो पहले लोग आए थे उनके साथ क्या मामलात हुए होंगे। हम लोगों के साथ तो जो कुछ हुआ हम लोग उसको कभी भी नहीं भूल सकते। वो घर इस हद तक जन्नात से भरा हुआ था कि वो किसी भी टाइम सुकून से रहने नहीं देते थे। मेरी अम्मी ने बिल्कुल ठीक कहा था, वो अजीबोगरीब चेहरे वाली मखलूकात थी जो उनको ख्वाब में नज़र आती थी, अपना आप दिखाती थी। हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। वो घर बहुत ज़्यादा डरावना था, उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे उस घर में अजीबोगरीब वहशत है। उसके दरो दीवार इस हद तक बोसीदा और पुराने लगते थे जितना मर्ज़ी उनको साफ़ कर लो। हालांकि जब हम लोग उस घर में आए थे तो हम लोगों को ऑनर ने वाइट वॉश करवा के दिए थे पूरे घर में, इसके बावजूद उस घर में रहना नामुमकिन था। ये हम लोगों की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया यासर आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nosheenmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर एम ए राहत का नावल 100 साल पहले की मैं डेली एक एपिसोड पोस्ट करती हूँ, उसको ज़रूर विज़िट करें। नौशीन वॉइस ऑफिशियल पर कल मैंने बहुत खूबसूरत व्लॉग पोस्ट किया था, उसको ज़रूर विज़िट करिएगा। और हॉरर शॉर्ट्स पर आज मैं एक ऐसी वीडियो पोस्ट करूँगी जिसमें एक रियल जिन है, उसको ज़रूर विज़िट करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे मेरे पेरेंट्स को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह ने के बांध।